पर हमारी किस्मत पर प्राय 2000 किलोमीटर चलिए हिंसा मुक्त भारत गर्वर जन्म हम हिंसा मुक्त भारत गर्वर चक्रे ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান পিপলস ফোরাম স্বাগত জানাই আমরা স্বাগত জানাই সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের যারা এই দিল্লি থেকে কলকাতা এই 2000 কিলোমিটার সাইকেল যাত্রায় তাদের সহায়তা করলেন। बाद निकले थे और हम सड़कों पे रहे, हम मंदिरों में रहे, हमने आवाज लगाई कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो आइए, हम उनके लिए तैयार हैं। लेकिन ये बहुत एक जो उम्मीद की किरण है इस यात्रा की वो ये है कि पिछले 26 दिन में सिवाय मोहब्बत के, सिवाय गले लगाने वालों के कोई लोग नहीं मिले हैं। तो उससे एक बात जो पता चलती है वो ये कि ये सब स्पॉन्सर्ड है, ये हिंसा, ये लिंचिंग स्पॉन्सर्ड है। कुछ लोग जो इस देश के दुश्मन, सच्चे राष्ट्रवादी तो हम है जो इस देश की को यूनिटी के लिए निकले, इस देश के पूरी दुनिया में आज सोशल मीडिया से लोग कहते हैं कौन सा हिंदुस्तान है जहां जानवरों की तरह इंसानों को मारते हैं, उसको रोकने के लिए हम निकले हैं। और सेमिनारों में, बंद कमरों की मीटिंगों के अलावा ये जरूरी था कि सड़कों पर निकल के कहा जाए। हमें एक फोन आया था कि झारखंड आओ तब पता चलेगा, लेकिन हम जब झारखंड गए तो हमें फूल मिले, हमें मोहब्बत मिली, हमें लोगों ने गले लगाया। तो वो लोग अगर उनमें हिम्मत होती तो आओ, हम 8 लोग थे, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हमारी कोई हिफाजत नहीं थी। तो और हम चैलेंज रोज अखबारों के जरिए कह रहे थे कि भाई कहाँ है वो लोग। तो ये बहुत जरूरी है कि इस मुल्क में सड़कों पे आके मोहब्बत की आवाज लगाई जाए, और ये जब तक नफरत करते रहेंगे हम, जब तक सड़कों पे जा जा के लोगों को गले लगाते। अयोध्या मामला हुआ, इसके ऊपर जो ये राय निकला है, अलग अलग बॉडीज हैं वो जवाब देंगी, लेकिन मैं एक जवाब बस दूंगा जो मेरा पर्सनल है, वो मेरा मैटर नहीं है। मुझसे आप ये पूछिए कि मोहब्बत कैसे होगी, गरीबों को कार्ड कैसे मिलेगा, वो लीडर बताएंगे। लेकिन एक मैं कहूंगा, अयोध्या में अगर मस्जिद नहीं होगी तो वो अयोध्या श्री राम की अयोध्या नहीं। हमें श्री राम की अयोध्या चाहिए, और श्री राम की अयोध्या कैसी होगी इसको तुलसीदास ने कहा है, बैर काहू संग न कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो अगर श्री राम की अयोध्या है तो उसमें मंदिर भी होगी, मस्जिद भी होगी, गिरजा भी होगा, गुरुद्वारा होगा। और किसी कॉरपोरेट और किसी कट्टरपंथी की अयोध्या है तो फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँ। श्री राम की अयोध्या में मस्जिद होनी चाहिए, ये श्री राम का आदर्श है। बाकी उसका जो मसला है, वो लीडर जो उस मसले को पिछले 50-60 साल से डील कर रहे हैं, वो सवाल का सही जवाब देंगे। लेकिन मैं ये जवाब देता हूँ कि श्री राम की अयोध्या में सबके लिए जगह है। राम सब नर करें परस्पर प्रीति, कहां सुनाए सब सुंदर नीति, ये श्री राम की अयोध्या की। श्री राम की अयोध्या कैसी होगी ये तुलसीदास से ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी। नफरत फैलाओगे श्री राम के नाम तो कुछ लोग हैं जो उसको जर्मनी, हिटलर का जर्मनी बनाना चाहते हैं, वो हिटलर से प्रभावित हैं, हम श्री राम से प्रभावित हैं। झूठ बोलते हैं, आ जाओ। मुझे फोन आया, मैंने कहा तुम श्री राम को कितना जानते हो, थोड़ी देर में कह रहा है अरे मैं धर्म वर्ग तो पढ़ता नहीं, लेकिन धर्म का नारे लगाने की इन्होंने झूठी ठेकेदारी ले रखी है। और इनके लिए जरूरी है कि सड़कों पे उतरो। हमने किसी बंद कमरे में बैठ के 26 दिन भाषण नहीं दिया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कमरों में नहीं बैठे हैं, हम गांधी पीस फाउंडेशन के अंदर नहीं बैठे हैं, हम सड़कों पे रहे हैं, हम गुगोली के ताली मंदिर में कह के आए हैं, हम फतेहपुर के श्रीराम मंदिर में कह के आए हैं। और हर जगह हमने ये कहा है कि हम किसी भी सूरत में इस मुल्क को नापाक हाथों में जाने नहीं देंगे। और ये आप ये डाइवर्सिटी के दुश्मन हैं, ये दुनिया को एक सा
ये दुनिया को हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, जहाँ सब मरीजों की चादर एक सी हो, सबका खाना एक सा हो। हम दुनिया को रंग बिरंगा चाहते हैं, हम दुनिया में डाइवर्सिटी चाहते हैं। तो राम के वारिस हम हैं, कृष्ण के वारिस हम हैं, ये हिटलर के वारिस है, क्योंकि हिटलर उनको एक सा रंग दिखता है। तो इसलिए हम सबकी, और श्री राम का राज वो भी तुलसीदास ने बता दिया, पैर काहू संग न कोई, राम प्रताप विषमता खोई। नफरत नहीं होगी और गैर बराबरी नहीं होगी। ये ट्रेनें बेच रहे हैं, पैसेंजर 40 पैसेंजर ट्रेन भी बेच दी, तो हम लोग गरीब लोगों की ट्रेनें। इसलिए इस यात्रा का ये मकसद बहुत जरूरी था इस वक्त, और हम कह के आए हैं तुम सड़कों पे खून बहाओगे, हम सड़कों पे फूल लुटाएंगे। आज हमने कलकत्ता की, भारत वालों ने करीब 50 किलोमीटर हमने कलकत्ता की सड़कों पे फूल डाले, आओ देखे कौन जीतता है। और तुम तो धर्म को मानने वाले हो, तुम तो नास्तिक नहीं हो, तुम तो तुम्हें मालूम है कि रावण के दिए जलते हैं या राम के दिए जलते हैं। तुम तो धार्मिक लोग हो, तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो कि नफरत फैलाने वाले मिट गए, उनका नाम भी नहीं है, और मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं। कबीर जिंदा है, मीरा जिंदा है, रवीन्द्रनाथ टैगोर जिंदा है, काजी नजरुल इस्लाम जिंदा है। मोहब्बत करने वाले जिंदा है और नफरत करने वाले मिट जाते हैं। जैसे आपके कलकत्ता में आज सूरज 5:10 पे डूबेगा, हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो देखते हैं सनसेट कब होगा। आज कलकत्ता में सनसेट 5:07 पे होगा। सारी दुनिया के मेट्रोलॉजिस्ट आ जाएं, सारी दुनिया के वजीर आ जाएं, सारी दुनिया की फौजें आ जाएं, लेकिन उसके डूबने को कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही नफरत डूबे। और आप कहोगे अरे तुम तो जज्बात में कह रहे हो, हम अपनी आंखों से देख के आए। मैं सुबह नमाज पढ़ने उठा तो खागा के मंदिर के पुजारी हमें चाय पेश कर रहे। एक मंदिर में मैंने कहा क्या मैं नमाज पढ़ लूं, तो उसका पुजारी जो अपना नाम लिखना भी नहीं जानता, बोला अरे भाई इबादत करने के लिए इजाजत नहीं मांगी जाती है, जहाँ चाहो नमाज पढ़ो। ये कौन सा धर्म लाए, और उस धर्म को तुम्हारे धर्म के कलेजे, तुम्हारे कलेजे लाशों से ठंडे होते। अभी रास्ते में हम बुकारो में देखिए, उसमें तो अभी जांच चल रही है, और उनके घर वाले कह रहे हैं कि ये हमारी आपसी, उनकी जो आपसी लड़ाई है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनल फोर्सेज हो चाहे हिंदू हो, कम्युनल फोर्सेज में आपस में कोई विश्वास नहीं होता है, बल्कि आपस में भी एक तरह की लड़ाई होती है। तो मुझे लगता है कि ये उसका नतीजा भी हो सकता है, और जांच चल रही है। जो भी उसके दोषी, हम किसी की हत्या नहीं चाहते, हम तो मुर्दाबाद भी नहीं कहते हैं नारे में, तो हम किसी को क्या हत्या चाहेंगे। डर, मैंने कहा डर का माहौल बनाया जाए। कौन मना रहा है? कुछ लोग हैं जिनका फायदा है, आप भी जानते हैं, मैं भी राजनीतिक दल को जाते हैं कि मोहब्बत से भी हुकूमत हो सकती है, सिर्फ नफरत से मोबिलाइजेशन नहीं होता है। ये यहाँ पे छोटा सा मोबिलाइजेशन मोहब्बत के लिए हुआ, तो मोबिलाइजेशन नफरत से की जगह, राम का नाम ने भी मोबिलाइजेशन किया, रावण ने भी किया। तो वो जो धर्म को जानते नहीं है, धर्म का इस्तेमाल करके उन लोगों को ये धर्म को पढ़ना चाहिए। तरुण भारत, आमरा हिंसा मुक्त भारतवर्ष गड़ार जन्य, ऐक्यबद्ध भारतवर्ष गड़ार जन्य, लिंचिंग फ्री इंडिया और यूनाइटेड इंडिया गड़ार जन्य, खोदाई खिदमतगर जो पार्टी खान आब्दुल गफ्फर खान पार्टी, से पार्टी 1929 साल नवेम्बर मासे तैरी हो खाइबार पख्तूनिस्तान, से पार्टी पक्ष के खान आब्दुल गफ्फर खा महान स्वाधीनता संग्रामी छिलें, তাকে আজীবন মানে ব্রিটিশ সরকার অত্যাচার করে, এবং পরবর্তীকালে দেশভাগের পরবর্তীকালে যখন পাকিস্তানে যাওয়া হয়, তিনি পাকিস্তানের এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং অত্যাচারিত হন। 1987 সালে ভারত সরকার রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে তাকে ভারতরত্ন পুরস্কার প্রদান করে, এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানে ফিরে গেলে তাকে বন্দিদশায় কাটাতে বাধ্য করেন, এবং খান আব্দুল গফর খাঁ বা বাদশাহ খান বা সীমান্ত গান্ধী, তিনি 1988 সালে বন্দিদশায় মৃত্যুবরণ করেন। তার যে আদর্শ, ঐক্যবদ্ধ ভারতের করার আদর্শ,
হিংসা মুক্ত ভারত গড়ার আদর্শ, অহিংস ভারত গড়ার আদর্শ, তার যে আদর্শ ধর্মান্ধ বিরোধী ভারত গড়ার আদর্শ, সেই আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা দিল্লি থেকে কলকাতা প্রায় 2000 কিলোমিটার সাইকেল যাত্রাকে সমর্থন করেছি এবং কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে আমরা এই সাইকেল র্যালি নিয়ে বেরিয়েছি। আমরা বাগমারী, মানিকতলা, ফুলবাগান গান্ধী আশ্রম, বেলেঘাটা গান্ধী আশ্রম এবং রানীছায়া মঞ্চে এসেছি। শিয়ালদা, মৌলালী, বরানগর, ডানলপ প্রত্যেক জায়গায় আমরা সভা করেছি। আম শ্রমিক কৃষকের আমরা সমর্থন পেয়েছি। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ হিংসামুক্ত ভারত ভারতের পক্ষে, ধর্মান্ধ ভারতের বিপক্ষে। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের ভাষায়, হেতায় আর্য, হেতায় অনার্য, হেতায় দ্রাবিড় চীন, সখুন দল পাঠান মোগল এক দেহ হল লিন, এমর তীর্থ পুণ্যতীর্থ জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরে তীরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, ধর্ম যাবে মোহ বেশে এসে ধরে, অন্ধ সেজন মরে এবং শুধু মারে, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাথেয় করে আমরা এই হিংসামুক্ত ভারত বা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নেমেছি। ঘরে বসে আর কাজ নেই, কারণ কিছু মানুষ, কিছু ধর্মের ব্যবসায়ী, কিছু রাজনৈতিক নেতা যারা রাজনীতির ব্যবসা করে, তারা এমপি এমএলএ হবার জন্য আমাদেরকে হিন্দু মুসলিমে ডিভাইড করছে, বিভক্ত করছে এবং আমাদের মধ্যে শ্রমিক কৃষকের মধ্যেই হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা লাগাচ্ছে ধর্মের শীর্ষক দিয়ে। মনে রাখতে হবে রাজনীতি আর ধর্ম এক জিনিস না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষায়, হিন্দু এবং মুসলমান ভারতবর্ষে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া একাত্মা হইয়া গ্রামে গঞ্জে বসবাস করিয়াছে, তাদেরকে পৃথক করা দুষ্কর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহাদিগকে মনে বীজ ঢুকাইতেছে। আমরা মনে করি ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ থাকবেই। এই ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের পক্ষে যারা ধর্মের দালালি করে, যারা হিংসার দালালি করে, যারা এই দালালদের বিরুদ্ধে আমরা পথে নেমেছি। আগামী দিনে আরও মহান মহান সাইকেল যাত্রা হবে এবং সারা ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে আমরা প্রচার করব যে তোমরা বাবা দাঙ্গা করো না, ধর্ম ধর্মের জায়গায়। 14 নভেম্বর আজ রানুসায়া মঞ্চে যাত্রা সমাপ্ত হলো, আমরা এই যাত্রা করলাম এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা যারা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি তাদের সমর্থন পেয়েছি এবং আম মানুষ, প্রগতিশীল মানুষ আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন। কিছু ধর্মান্ধ মানুষ নানারকমভাবে হুমকি দিয়েছেন, তাদের কথা অস্বীকার করলে বেশিরভাগ 99.9% মানুষ আমাদের সঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে বর্তমান সমাজে, যারা হিন্দু মুসলিম অথবা পাকিস্তান হিন্দুস্তানের রাজনীতির বিরোধিতা করছে, যারা প্রগতিশীল উদার ভাবনার রাজনীতির কথা বলছে, যেমন গৌরী লঙ্কেশ, রবীন পানসারে সবাইকেই হত্যা করা হয়েছে, একইভাবে অযোধ্যায় আমরা সামগ্রিকভাবে এই বিতর্কিত জমিতে আমরা চাই রাম রাজত্ব যদি প্রকৃতভাবে করতে হয় তাহলে বিতর্কিত জমিতে আন্তর্জাতিক মানের একটা ফ্রি মেডিকেল হসপিটাল তৈরি করা হোক, যেখানে হিন্দু মুসলিম শিখ পারসিক জৈন বৌদ্ধ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ সেই হাসপাতালে চিকিৎসা। ব্যাপারটা হচ্ছে ভারতবর্ষের এই যে সমাজ ব্যবস্থা, এক শ্রেণীর সমাজ ব্যবস্থা, যারা কয়লার খনি, তামার খনি, লোহার খনি, জল জঙ্গল জমির মালিক, তাদের সংখ্যা হচ্ছে 1%। তারাই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা লাগানোর জন্য হিন্দুদের একটা সংগঠনকে স্পন্সর করে, তারাই আবার মুসলিমদের একটা সংগঠনকে স্পন্সর করে, স্পন্সর করে আম জনতাকে হিন্দু মুসলিমে বিভক্ত। যে কোনো হত্যা মানবতার বিরুদ্ধের হত্যা আমরা বিরুদ্ধে। যে কোনো মানুষই আমাদের কাছে সম্পদ, সেই মানুষ যুক্তিশীল হোক, সকল মানুষ মানবতার পক্ষে থাকুক, দ্বারা এটা আমরা চাই। ভাবনা দলের পক্ষ থেকে এই কথাই বলতে চাই, খোদাই খিদমতদারের পক্ষ দলের পক্ষ থেকে এই কথাই বলতে চাই, ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িকতার হানাহানির মুক্ত হোক, সকল মানুষ সমানভাবে থাকুক। আমরা ক্ষুদিরাম বোস, প্রফুল্ল চাকি, বিপ্লবী বাঘা যতীন, অরবিন্দ ঘোষ, বারিন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, মাস্টারদা সূর্যসেন যে ভারতের সমতামূলক সমাজ চেয়ে ব্যবস্থা চেয়েছিল, আমরা সেই সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে। और मैं यहाँ दिल्ली से कलकत्ता एंटी मॉब लिंचिंग यात्रा के लिए 1700 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया हूँ। और मुझे जहाँ तक दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक मुझे एक चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव रहा,
किसी भी तरह की कोई भी हत्या, कोई भी मॉब लिंचिंग किसी भी तरह से वो गैर कानूनी और धर्म के विपरीत है। धर्म का नाम लेकर की जाने वाली हर तरह की हत्या या हर तरह का चोट पहुंचाना कभी धर्म उसकी इजाजत कभी नहीं देगा, क्योंकि धर्म हमेशा मेकअप बॉक्स की तरह है। मेकअप बॉक्स में काजल होता है और काजल को हम हमेशा आंख संवारने के लिए उपयोग करते हैं, ना कि हम उसको किसी का मुंह पोतने के लिए। तो जो लोग अभी धर्म का उपयोग मुंह पोतने के लिए करते हैं वो धर्म का असल मतलब ना तो मतलब है ना मकसद है। धर्म का असल मतलब मोहब्बत है, भाईचारा है और वही पैगाम दुनिया भर में फैला है। मतलब सिर्फ मुस्लिम संगठन नहीं, किसी भी तरह का संगठन जो किसी भी हत्या को सपोर्ट करता है या किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग को सपोर्ट करता है, मैं हर उस संगठन के खिलाफ हूँ।